हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएम मोदी की रैली में पहुंची कश्मीर कॉलेज की लड़कियों ने क्या बोला? लोकसभा इलेक्शन 2024, चलो सुनते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। गौसिया, कहाँ से आए आप लोग? खानमोह श्रीनगर। श्रीनगर मतलब यहीं से आए? खानमोह श्रीनगर। हाँ, ये कितना दूर है खानमोह से श्रीनगर? बहुत दूर, ज्यादा नहीं है। और मैं ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि वो सर हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि कश्मीर में जितनी भी लड़कियाँ हैं पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं, माँ बाप अपनी मतलब जान लगा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपना मतलब कुछ सेंड कर पाए, कुछ कर पाए। जो बेरोजगारी है वो बहुत है इस टाइम हमारे इलाके में। खुरमुखी अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलना चाहते हैं हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं, हम उनके लिए कोई ना कोई बिजनेस स्टैंड करे, उनको कुछ ऐसा मतलब वो इम्प्रूवमेंट आए हमारे इलाके में। तो हम ये उम्मीद लेकर यहाँ पे आए हैं, उम्मीद लेकर के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा अगर ये बताएं, आप सेकेंड ईयर में हो, आपके ग्रुप में भी बहुत सारे मतलब कॉलेज जाते होंगे, स्टूडेंट से आप बात करते होंगे, आपके मित्र होंगे, तो क्या उनके वो क्या सोचते हैं सब बीजेपी के बारे में? वो क्या सोचेगी? वो तो यही सोचती है कि पढ़ लिख कर जॉब मिल जाए, हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपना स्टैंड करे, तो वो उनका सोच। अच्छा, आप पार्टीज के बारे में बात करते हो जैसे पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर आप किसको वोट देना है, किसको नहीं? इलाके की करेंगे जहाँ पे रोड की कमी थी या और कोई फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी, जो AR एजाज हुसैन बालहमा जो है उन्होंने बात सुनी, फीलिंग्स को समझा, वहाँ पे रोड का काम करवाया, बिजली पानी कोई बहुत सारे काम किए हमारे इलाके में। बीजेपी BDC मेंबर है जी। यहाँ हम कॉलेज स्टूडेंट्स पहले जो हमारे इनसे पहले जो लीडर्स थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होता था कश्मीर में। अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा, महीने में मुझे लगता है 2-3 बार या एक हफ्ते में हम 4 बार कॉलेज आते थे। जब से ये मोदी सर या हमारे AR एजाज हुसैन बने हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, तब से अगर कुछ भी होता है हम कॉलेज बंद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हम कॉलेज जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले तो प्रोटेस्ट हम कश्मीर में अगर देखा जाए सिर्फ प्रोटेस्ट होता था, अब तो नहीं होता है ना। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, अब नहीं होता है। अब कॉलेज तो हम जाते हैं स्टडी, जो मोदी ने कहा बेटी पढ़ा बेटी बचा, तो मुझे लगता है कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा अभी पढ़ाई हो रही है, कॉलेज बंद नहीं होते हैं, तो वो उससे हम बेटर फील करते हैं कि कॉलेज अब बंद नहीं होता और प्रोटेस्ट नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता है। या एक और चीज मैं आपसे जैसे पूछना चाहती हूँ, रुक जाइए भैया, भैया को क्या हुआ? आपसे पूछना, भैया को क्यों जल्दी मची? अभी मैं लोगों से उस तरफ बात कर रही थी कश्मीर के अंदर, मतलब उस तरफ मैं बात कर रही थी यहाँ से थोड़ी सी दूर, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि ये जो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा जो लगती है उससे हमें परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि हमें कैद सेफ्टी होनी चाहिए। तुम्हारे आपके दोस्त इस तरीके की बात करते हैं? इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, इसके बारे में क्या आपको फील होता है ऐसा हमें कहीं कैद कर लिया गया? नहीं, हमें क्या, जो कश्मीर जैसा था उसको वैसा ही नहीं रखा? जैसे पहले था अब वैसा तो है नहीं, अगर हम देखेंगे अब तो वैसे हालात खराब होते नहीं है जैसे होते थे हमारे कश्मीर में। इससे पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती थी कश्मीर में, अब वो देखने को नहीं मिलती है, तो हम क्या, अब अच्छा लगता है कश्मीर? हाँ, ऑफ कोर्स आई लव माय कश्मीर, हमारा कश्मीर तो है ही जन्नत है, तो फिर कश्मीर को जन्नत बोलती ही नहीं है, जन्नत है हमारा कश्मीर, अब कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, आप थकान मिट गई? ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम भट्ट मुस्कान है। क्या नाम है? भट्ट मुस्कान। भट्ट मुस्कान, कितना प्यारा नाम है मुस्कान। मेरी भी एक फ्रेंड है उसका नाम मेरे पास भी ऐसा टॉप यहाँ वो था, इसीलिए बीमार हुआ, फिर मैंने नहीं पढ़ा। हम 5 सिस्टर है, 5 बहने। हाँ, भाई कितने? भाई तो 2 है, 7 आप भाई। हाँ, मेरा भाई वो रोज दिन में कमाते और शाम को खाते। अच्छा, क्या काम करता भाई? कितनी उम्र का? मजदूरी करते। मजदूरी? हाँ। कितनी उम्र है आपकी भाई की? मेरे भाई की 24। हाँ, क्या काम करते हैं भाई? वो JCP ऑपरेटर है, और मेरा फादर PhD में है, वो भी डेली वेज है, 20 साल हुआ।
20 साल अच्छा अभी परमिट नहीं हुआ वो अभी परमिट नहीं नहीं जी मैम 20 साल से परमानेंट तो मुस्कान आप क्या चाहते हो आपके लिए क्या चाहते हो हम चाहते हैं जो भी कश्मीर में लड़की है वो घर में जो उसे उनने बहुत सारे पढ़े हैं वो घर में बैठते हैं आप अपने लिए क्या चाहते हो आप 10th पास हो अभी मैरिड तो हो नहीं नहीं अभी मैं अनमैरिड हूँ हाँ जी मैम तो आप अपनी जिंदगी कैसे देखते हो मुस्कान मैंने 10th पास की है क्या सपने हैं आपके मैं अब चाहता हूँ कि जो ये मोदी है उनने बहुत सारे काम किए हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम पढ़ते थे बट जो मेरा फादर बीमार हुआ तब से मैंने नहीं पढ़ा सपना क्या है क्या करना है क्या अच्छा, करना क्या चाहते हो आपका मन क्या है करने का सपना क्या है मन क्या जॉब दीजिए तो हम वो कर सकते हैं जॉब करोगे हाँ किस तरीके की जॉब आपको चाहिए हम करते हैं एक्चुअली अभी FTK जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ PHG में अभी हमने कोई अभी पैसे वैसे नहीं लिए हम ट्रेनिंग देते हैं उसके आपको नौकरी चाहिए हाँ कश्मीर के आवाम को नौकरी चाहिए मैंने इनसे पूछा कि आपका सपना क्या है तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा सपना है कि मैं नौकरी करूं मैम हम उतना अमीर नहीं है मैंने आपको पहले ही बोला मेरे भाई दिन में कमाते और हम शाम को खाते हैं मेरे फादर बहुत बीमार हुआ है एक्चुअली उसको 20 साल हुआ है वो डिलीवरी अभी वो परमिट भी नहीं हुआ है अच्छा हाँ यहाँ जो आए हैं प्रधानमंत्री इनके बारे में क्या सोचते हो जी हम उनके साथ बात करना चाहते हैं बात करना हाँ, चाहते किस तरीके की बात करना चाहते हम उसको अभी ऐसे बोलेंगे कि हम बेरोजगार है ऐसे एजाज हुसैन है उसने बहुत सारे काम किए हैं श्रीनगर में बहुत सारे काम किए हैं वाटर नहीं थी वाटर भी दी पानी बिजली नहीं थी बिजली भी हाँ DDC मेंबर हाँ जी मैम उसने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है कश्मीर के लिए हाँ मुस्कान मुझे एक और बात बताइए कि आप यहाँ पर आए हो तो क्या आपको मैं क्योंकि बहुत कम यहाँ पर महिलाएं मैं देख रही हूँ शायद अंदर बहुत सारी होंगी मैं बहुत कम तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा आप कैमरे पर आकर बोल रहे हो तो क्या आप उन्हें अलाउ किया कि जाओ कैमरे पर बात करो नहीं हम वहाँ पे बहुत सारे थे उन्होंने हमको बोला पहली बोलो 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 हमने भी बहुत सारे वहाँ पे बोले थे हमको बोलो बोलो न्यूज़ बोला हाँ जी अब उन्हें मना नहीं किया कि कैमरे पर आना तो हराम है अब उन्हें मना नहीं किया कैमरे में आना हराम हाँ जी मैम तो अब उन्हें बोला कि जाओ कैमरे पर बात करो जो हमको वहाँ पे पकड़ा तो मेरा पापा क्या बोलेगा फिर पहली बार बात कर रहे हो क्या कैमरे पर ये आप लोगों के लिए पहली बार है ये पहली बार है वरना मैं ऐसी न्यूज़ पे नहीं आती हूँ मैं कभी नहीं जाती हूँ मुझे शो कोई नहीं है न्यूज़ पे आने की अच्छा मैं अगर इससे पहले की अगर आपसे मैं बात पूछूं कि इससे पहले क्या था जब कश्मीर मतलब उस तरीके से था इससे पहले हड़ताल था व्हाटएवर कुछ भी होता था अब बहुत सारी महिलाएं भी आ रही हैं थोड़ा सा ड्रग्स भी करते थे कश्मीर के लोग जब से मोदी जी आई तब से ड्रग्स बंद हुए उनने जॉब दिया है बट वो वहाँ वो जॉब करते हैं उनको अब वो ड्रग्स वगैरह कश्मीर में नहीं होता है ड्रग्स कश्मीर में नहीं होता कमाल था सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि पहले कितनी बुरी सिचुएशन थी वो और बेटर एक्सप्लेन कर सकती थी पर मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन जो था ना बात उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि क्वेश्चन का आंसर मतलब ये जो भट्ट मुस्कान थी उससे पहले जो लेडी थी उसने आईफोन सॉरी वो जो है एप्पल वॉच पहनी हुई थी जो प्रो वाली है जो महंगी वाली है तो कई इसमें जो लोग आ रहे हैं दे आर तो फिर वो डिफरेंस देखो ना वो तो वो कॉलेज में पढ़ रही थी वो कॉलेज में पढ़ रही थी ये कह रही थी मैं सिर्फ 10th तक पढ़ी हूँ और फिर गरीब क्योंकि गरीब है पापा की तबीयत खराब हो गई तो मैंने स्कूल छोड़ दिया तो वो टू डिफरेंट पीपल तो इसलिए उसको नौकरी का है कि मुझे नौकरी दोनों बोल रही थी पर नौकरी दोनों ने बोली वो अमीर वाली जो कह रहे जिसके पास चीजें थी और ये ब्लू वाली दोनों ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए लड़कियां वहां कश्मीर की हर लड़की इसका मतलब चाहती है कि मैं कुछ काम करूं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूं तो वही वो कह रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग था सुन के कि भाई 370 हटने के बाद जो पहले सिचुएशन थी जहां पे वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता ही रहता था और जिसकी वजह से कॉलेजेस भी बंद हो जाते थे अब जो है वो होता नहीं है और कॉलेजेस अब बंद नहीं होते हमारी पढ़ाई जो है चलती रहती है और जो BJP के कह रहे हैं कोई हैं उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए इनके एरिया में वहाँ पे सड़कें आ गई हैं पानी आ गया बिजली आ गया मतलब इतने टाइम से ना वहाँ सड़कें थी ना पानी था ना बिजली थी सोचो वाह कमाल है देखिए काफ़ी अच्छा था मैं तो ये देख रहा था कि
ये लेडीज जो हैं पहली बार आई हैं बोलने के लिए, दे आर फीलिंग वेरी नाइस, सेफ फील कर रही हैं ना। नहीं तो पहले जो लेडी थी, जो अमीर वाली लेडी थी, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने पूरा बोला कि आज जो है बहुत ही प्यारा हमारा कश्मीर हो गया है, कोई वॉयलेंस नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है। फिर भट्ट मुस्कान ने बोला कि यहाँ कोई ड्रग्स नहीं है। हाँ, मतलब पहले क्या इतनी प्रॉब्लम्स थी और धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। देखिए कि ये यहाँ पे आए मोदी जी से बात करने, अगर मौका मिले बताने के लिए कि हमें जॉब्स चाहिए, तो मोदी जी को पता है जॉब्स चाहिए, कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, इसे तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। उनको पता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब हो, जिसे कोई और एंटी काम ना करें, तो अच्छी, वेरी नाइस। तभी तो मोदी जी इतने स्कीम्स कूम्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसीलिए हो रही है कि जॉब्स आए। तो वैसे ही चाहते हैं मोदी जी, चाहते हैं अब लखपति दीदियों से क्या करोड़पति दीदियां बना। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।